ओके सो यूनिट नंबर 4 लास्ट टॉपिक फायरवॉल एंड वीपीएन। लेट अस स्टार्ट। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था डिफेंस अगेंस्ट नेटवर्क अटैक। इसकी चार अप्रोचेज हैं जिसमें से दो हमने पहली दो कवर कर ली हैं एंड टुडे वी विल कवर फायरवॉल एंड वीपीएन। तो फर्स्ट फायरवॉल, देखिए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर करके रखिए। ऐसा ही नहीं है हमेशा कि फायरवॉल सॉफ्टवेयर ही होगा, ऐसा नहीं है कि फायरवॉल हमेशा हार्डवेयर होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने विंडोज में सेटिंग देखी होगी, फायरवॉल की सेटिंग रहती है, दिस इज दैट इज कॉल्ड बेसिकली सॉफ्टवेयर फायरवॉल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग सभी में आता है। लेकिन हार्डवेयर डिवाइस भी एक सेपरेट होती है, ठीक है, जो नेटवर्क के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कंट्रोल करता है। जो भी ट्रैफिक नेटवर्क में आना है, जो भी ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जाना है, उसको ये कंट्रोल करने के लिए हम इसे लगाते हैं। सो दैट इज बेसिकली हार्डवेयर फायरवॉल। ये हमारे पास कॉलेज में है एंड बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वी हैव नॉट कन्फिगर दैट। ओके ओके, अच्छा इसका काम क्या है? आपको पता है ट्रस्टेड नेटवर्क, अनट्रस्टेड नेटवर्क। ठीक है, ट्रस्टेड नेटवर्क वो नेटवर्क हुआ जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा अपना नेटवर्क, कॉलेज का अपना नेटवर्क। अनट्रस्टेड नेटवर्क का एग्जांपल क्या हुआ? एग्जांपल इंटरनेट। ठीक है, एक ट्रस्टेड है, एक अनट्रस्टेड है। अब फायरवॉल क्या करेगा? इन दोनों के बीच में एज ए बैरियर एक्ट करेगा। बैरियर मीन जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से हमारे नेटवर्क में या फिर हमारे नेटवर्क से इंटरनेट पे जाने की कोशिश करेगी, वो फायरवॉल के थ्रू ही जाएगी और वो उसे देख सकता कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये उसका काम नहीं है कौन क्या कर रहा है, उसका काम है कि कोई सम काइंड ऑफ अटैक यहाँ पे इशू तो नहीं है, उसको ये काफी हद तक कंट्रोल करता है। ठीक है, तो जस्ट याद रखिए इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में ये एज ए बैरियर एक्ट करता है। हेयर इज द डायग्राम, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन यहाँ पे मॉनिटर अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। इफ दिस इज फायरवॉल, दिस इज आवर इंटरनेट, सॉरी इंटरनल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर का इंटरनल कैंपस वाइड नेटवर्क है ये सारा सारा। ठीक है, और ये इंटरनेट है। अब इंटरनल नेटवर्क ये प्रोटेक्टिव नेटवर्क होता है, ये ट्रस्टेड नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल जैसे किसी एंटरप्राइज या कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क। वेयर एज एक्सटर्नल नेटवर्क क्या हुआ? ये अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क होता है, ये अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? इंटरनेट। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कवर किया हुआ है। ओके तो फायरवॉल विल एक्ट एज बैरियर बिटवीन दीज टू। ओके अब देखिए आगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फायरवॉल? एक अच्छे फायरवॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? नंबर 1, जितना भी ट्रैफिक इंटरनल नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क को जाएगा या फिर उल्टा एक्सटर्नल नेटवर्क से इंटरनल नेटवर्क को जाएगा, वो फायरवॉल के थ्रू ही जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फायरवॉल भाई एक ही होना चाहिए, जहां से आप नेटवर्क इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये है पहला रूल, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल द ट्रैफिक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड टू आउटसाइड या फिर इससे उल्टा आउटसाइड टू इनसाइड, सारा का सारा इसके थ्रू ही पास होना चाहिए। ओके आप एक बस का एग्जांपल लीजिए, राइट, उसमें मान लीजिए एक ही दरवाजा है और कंडक्टर ने टिकट काटना है। ओके तो वो नेचुरली वो कहाँ खड़ेगा? दरवाजे पे खड़ेगा ना, जो भी अंदर आया टिकट उसका वहां काटेगा, उसको सीट अलॉट करेगा। ठीक है, जो भी बाहर जाना चाहता है उसके लिए दरवाजा खोलेगा या उसके डेस्टिनेशन पे उसको कहेगा तेरी डेस्टिनेशन आ गई तो उतर जा भाई। ठीक है, लाइक दैट वे फायरवॉल इज गोइंग टू वॉक। सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट होना बहुत जरूरी है। अगर बस में दो दरवाजे हैं, कंडक्टर खड़ा अगले दरवाजे के पास, पीछे से सवारियां घुस रही हैं बिना टिकट के, घुस रही हैं और बिना इसके उतर रही, हर कहीं उतर रही है, तो वो फिर फायरवॉल से कंट्रोल नहीं होगा। तो
तो इसलिए फायरवॉल की सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक होती है वो ये है, वो तभी अपने आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक अगर सारा का सारा ट्रैफिक उसके थ्रू आ रहा हो, जा रहा हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। सेकंड, अच्छा आ तो इसी के थ्रू रहा है, लेकिन कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है, ठीक है, अब उसके बात करते हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ओनली द ट्रैफिक ऑथराइज्ड शुड बी अलाउड टू पास। फॉर एग्जाम्पल, अब मल्टीपर्पज हॉल में हमारा जो फंक्शन हो रहा है, मान लीजिए अब सपने देखिए आप लोग, ठीक है, मल्टीपर्पज हॉल में फंक्शन होने जा रहा है आज, और जो जो ड्रेस पहन के आए हैं उसके जो है पीटीआई जी नड्डा जी एक एक करके अलाउ कर रहे हैं, जिसने ड्रेस नहीं पहनी है या टैग नहीं पहना गवर्नमेंट ने हमीरपुर, उसको बोल रहे तू निकल जाए यहाँ से, तो वो काम करेगा ये फायरवॉल। ओनली द ट्रैफिक ऑथराइज, जो ट्रैफिक ऑथराइज है वही अलाउ होना चाहिए, बाकी नहीं होना चाहिए। थर्ड, फायरवॉल इटसेल्फ मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, फायरवॉल अपने आप भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि लोहे का बना दिया आपने वो, भाई वहां पे आग में फेंक दिया और उसको हथौड़ी मार दी, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है देखो, नो, ये फायरवॉल के अंदर जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये पॉइंट कर रहा है कि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से आपने डिजाइन की हो, उसके रूल्स होते हैं बेसिकली वो आपने अच्छे से सेट किए हो। ये तीन हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फायरवॉल। हमेशा याद रखना है ट्रैफिक हमेशा सारा का सारा फायरवॉल के थ्रू जाए, दूसरा सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रैफिक ही अंदर या पास अंदर को या फिर अंदर से बाहर को जाए, तीसरा फायरवॉल का अपना जो सेटअप है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, उसका यूजर नेम पासवर्ड और जितने भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपने रूल्स वहां पे सेट किए हुए वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे से डिजाइन किए होने चाहिए। दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फायरवॉल। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, दो तरह के फायरवॉल होते हैं, वन इज कॉल्ड पैकेट फिल्टर, सेकेंड इज कॉल्ड एप्लीकेशन गेटवे। पहले तो नाम याद रखने हैं आपने, डायग्राम मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपने क्लास टेस्ट में भी काफी बच्चों ने डायग्राम ड्रॉ नहीं किए हुए हैं। ओके, इफ अक्षित इज देयर इन द क्लास, तो आपने बेटा डायग्राम ही ड्रॉ नहीं किए हुए, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ डायग्राम ही एक इंजीनियर की निशानी होती है, डायग्राम से ही वो जब बात करता है उसके डायग्राम बोलने चाहिए, उसके प्रोग्राम्स बोलने चाहिए, ठीक है, आप डायग्राम बनाते नहीं तो नंबर कहाँ से मिलेंगे आपको, थ्योरी के एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं, हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में जहां पे भी आपको लगे यार यहाँ पे डायग्राम बनाया जा सकता है जल्दी से डायग्राम बनाइए। डायग्राम की क्वालिटी अच्छी नहीं है वो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन डायग्राम कहीं ना कहीं बना हुआ होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। सो दिस इज वन ऑफ द डायग्राम यू कैन ड्रॉ हियर, टाइप्स ऑफ फायरवॉल, पैकेट फिल्टर्स एंड एप्लीकेशन गेटवे। सो वन बाय वन को देखेंगे, पैकेट फिल्टर, पैकेट फिल्टर एज द नेम इंप्लाई, पैकेट्स क्या होते हैं याद करिए, इंटरनेट पे जब भी एक सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी, वो छोटे 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 पीसीज में डिवाइड होके गई, उस छोटे 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 हर पीस को हम क्या कहते हैं, पैकेट, यानी कि आईपी पैकेट। हर पैकेट में क्या लिखा होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस। मैंने आपको अमेजोन का एग्जाम्पल दिया था, अमेजोन से आपने चार चीजें मंगाई, ठीक है, आपने अपने घर का एड्रेस दिया, तो डेस्टिनेशन और अमेजोन ने क्या किया, चार अलग अलग पैकेट उसको मान लीजिए अलग अलग सप्लायर से मंगाए, ठीक है, तो सोर्स का एड्रेस कुछ और हो सकता है अमेजोन की तरफ से, लेकिन डेस्टिनेशन का एड्रेस तो आपका ही होगा, यानी कि हर पैकेट पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, तो पैकेट फिल्टर उसी चीज को चालाकी से मैनिपुलेट करता है, वो क्या करेगा, जितने भी पैकेट आपके नेटवर्क से बाहर जाएंगे या फिर जितने भी पैकेट बाहर के नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से आपके नेटवर्क में आएंगे उनको फिल्टर करेगा, उनको फिल्टर करेगा कैसे, ये देखिए, पहले ये देखिए पैकेट फिल्टर का के दो और नाम है, स्क्रीनिंग राउटर ये भी इसको हम बोलते हैं, या स्क्रीनिंग फिल्टर ये भी हम इसे बोलते हैं, ये तीन काम करता है, तीन स्टेप में काम करता है बेसिकली, क्या, ये देखिए इस डायग्राम को बड़े अच्छे से आपने देखना बच्चों, पैकेट फिल्टर को हम इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज योर पैकेट फिल्टर, और ये मान लीजिए बाहर को आप इंटरनेट की तरफ जा रहे हैं, और ये मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है,
ये ब्लू वाले जो राइट हैंड साइड पे हैं, मान लीजिए वो इनकमिंग पैकेट है, इंटरनेट से वो पैकेट आ रहे हैं आपके नेटवर्क में, और ये वाले पैकेट कौन से हैं जो आप इंटरनेट को सेंड कर रहे हैं, आउटगोइंग। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ पैकेट फिल्टर तीन स्टेप में कवर की जाती है, तीन स्टेप में चलती है। सबसे पहले जो भी पैकेट आएगा उसको वो रिसीव करेगा, उसको वो रिसीव करेगा, नेचुरल रिसीव करेंगे। जैसे घर पे गैस आए, जैसे कोई पैकेट आया, आप बोलेगा आओ जी बैठो बैठो यहाँ पे, आपने बैठा दिए। रिसीव ईच पैकेट एज इट अराइव, कौन? पैकेट फिल्टर अपने पास उसको बिठाएगा, बिठाएगा तो रिसीव किया उसने। ठीक है, सेकंड स्टेप में इसके अंदर कुछ एक रूल लिखे होंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 10, रूल नंबर 1000, जो भी है। वो कैसे लिखते हैं वो आपके सिलेबस से बाहर रहेगा, जस्ट याद रखिए उसमें रूल लिखे होते हैं। ऊपर से नीचे हम चलते हैं। पहला रूल पैकेट फिल्टर ने पकड़ा, अगर उस रूल के साथ ये वाला पैकेट, जैसे ये वाला जो पैकेट है, ठीक है, जब यहां पे पहुंचा था तो पैकेट फिल्टर ने इसको देखा और मैच किया सभी रूल से कि इस पैकेट को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर किसी रूल से वो मैच हो गया तो उस रूल को वहां पे वो अप्लाई करता है, अगर रूल से मैच नहीं हुआ तो अगले स्टेप में जाके, अगर वो किसी भी रूल के साथ मैच नहीं कर रहा है तो हम डिफॉल्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो एग्जांपल नड्डा जी वाली बात ले लेते हैं, मल्टीपर्पज हॉल में फंक्शन लगा हुआ है, अभी अंदर कोई नहीं है, पहला बच्चा आया, नड्डा जी ने नजर लगाई, नजर उड़ाई और सीधा देखा टैग है आईटी का रोल नंबर 1, चल भाई तू अंदर चल। अच्छा सीईओ का रोल नंबर 5, चल भाई तू भी अंदर चल। वो टैग देखा ना उसने, यानी कि सबसे पहले रिसीव किया, फिर उसको देखा कि जो मेरे माइंड में रूल है, जो मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि बिना टैग के कोई बच्चा अलाउ नहीं करना है, आइडेंटिटी कार्ड के अलाउ नहीं करना है, तो वो है वो रूल्स, उन सेट ऑफ रूल्स से वो उसको मैच करेगा। क्या इस क्या ये वाला जो पैकेट अभी अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सारे रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इनमें से कोई रूल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस रूल को अप्लाई करेगा, अगर कोई भी रूल मैच नहीं किया तो वो डिफॉल्ट रूल अप्लाई करेगा। मान लीजिए नड्डा जी को गुस्सा आ गया तो आपको चांटा भी पड़ सकता है। ओके, सो इन इन दैट वे यू कैन रिमेंबर दीज थ्री स्टेप्स। रिसीव करेगा, और हर पैकेट को रिसीव करने के बाद जो सेट ऑफ रूल फायरवॉल के अंदर लिखे हैं, पैकेट फिल्टर के अंदर रखे हैं, उनमें से एक एक करके सभी से मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच हो गया तो उस मैच के कोरस्पॉन्डिंग जो रूल लिखे हैं, जो जो एक्शन लिखे हैं वो परफॉर्म करेगा। थर्ड, अगर कोई भी रूल मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट रूल अप्लाई होता है। ठीक है, अब रूल्स में क्या लिखा हुआ हो सकता है, मान लीजिए एक पैकेट अंदर से बाहर से अंदर को जा रहा है। ओके, तो हमने रूल ये लिखा है कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से अगर कोई नेटवर्क पैकेट हमारे नेटवर्क में घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा जा सकता है इन अ सिंगल लिनक्स कमांड, सॉरी लिनक्स कमांड नहीं कहूंगा, एक सिंगल कमांड। ओके, सो दीज आर कॉल्ड रूल्स बेसिकली। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैकेट फिल्टर? फर्स्ट एडवांटेज इज सिंप्लिसिटी, सेकेंड इज यूजर नीड नॉट बी अवेयर ऑफ द पैकेट फिल्टर एट ऑल। यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि पैकेट फिल्टर भी बीच में है, उसे लगेगा कि मेरा सीधा ही कनेक्शन जो है उस वेब सर्वर के साथ है, जिससे जिस वेबसाइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ओके, एंड दे आर वेरी फास्ट इन ऑपरेशन, आपको लग तो रहा है एक एक पैकेट को वो एनालाइज कर रहा है, बट इट इज वेरी फास्ट, तभी ये महंगे होते हैं ये। ओके, आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे हजारों में नहीं आते, ये लाखों में आते हैं, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी फायरवॉल जो है मार्केट में अवेलेबल है। ओके, डिसएडवांटेज की बात हम इसे करें, इसके जो रूल्स होते हैं बेटा उनको सेट करना वो बच्चों का खेल नहीं होता है, उसके लिए बड़ा स्पेशलाइज्ड वहां पे पर्सन होने चाहिए, स्पेशल पर्सन, स्पेशल एक्सपर्ट्स होने चाहिए उसके लिए। जो रूल्स वहां पे बांधते हैं या बनाते हैं उनको सेट करना वो किसी बच्चों का खेल नहीं है, उसके लाइनेक्स का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना वहां पे जरूरी है, ज्यादातर ये लाइनेक्स से ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर ऑथेंटिकेशन, ये इसमें रहती है। हाँ, अगर आपको यूजर एंड पासवर्ड का पता लग गया और जितना मर्जी आपने रूल सेट किए हो, यूजर एंड पासवर्ड आपके हाथ में लग गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, दिस इज अ ड्रॉबैक। अच्छा, कैसे हम पैकेट फिल्टर को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे उसे मूर्ख बना सकते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है, आईपी एड्रेस स्पूफिंग।
आपको जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से अगर हमारे नेटवर्क में कोई एड्रेस सॉरी आना चाहता है पैकेट, तो हम उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं पैकेट फिल्टर की मदद से। लेकिन आईपी एड्रेस स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हैकर ने हर पैकेट में जो सोर्स एड्रेस है वही चेंज कर दिया, और उसने अपना एड्रेस छुपा दिया, किसी और का लिख दिया। तो जैसे पैकेट फिल्टर के पास पहुंचा तो उसने बोला अच्छा उस पर्टिकुलर एड्रेस से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं तू तो अंदर आ जा भाई, समझ गए। तो आईपी एड्रेस स्पूफिंग इज वेरी डेंजरस इन दैट सेंस, तो पैकेट फिल्टर को भी ये मूर्ख बना सकता है। सेकंड इज सोर्स राउटिंग अटैक्स, ये भी आप ये याद रखिए कि जब भी सोर्स से डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन हमारा नेटवर्क है मान लीजिए, और अमेरिका से या चाइना से या किसी और कंट्री से जो है सोर्स है, ठीक है, तो वो पहले ही डाटा सेंड करने से पहले पैकेट को रूट को फिक्स कर देंगे, ठीक है। ये इसमें एक तरीका रहता है बेसिकली, ठीक है। तो रूट फिक्स करने के कारण जो है वहाँ पे हमारा जो पैकेट फिल्टर कई बार वहाँ पे धोखा खा सकता है अगर वो अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं किया है। थर्ड इज टाइनी फ्रेगमेंट अटैक्स, ये भी बस नाम याद रखिए आप, नन ऑफ दी, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है। बस तीन आप जो टेक्निक्स याद रखिए जिससे हम पैकेट फिल्टर को मूर्ख बना सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड इज एप्लीकेशन गेटवे, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ फायरवॉल, और इसे हम प्रॉक्सी सर्वर के नाम से भी जानते हैं। अब लाइनक्स में आपने सुना होगा प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर ये कि ये प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन एज अ नेम इम्प्लाई, एप्लीकेशन गेटवे मीन्स एप्लीकेशन को ये ब्लॉक करेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ होगा ये हार्डवेयर नहीं होगा, ठीक, सॉफ्टवेयर फायरवॉल होगा ये बेसिकली। ये प्रॉक्सी जैसे हम क्लास में अटेंडेंस लगा रहे हैं, ओके मैंने कहा रोल नंबर वन, तो एक बच्चे ने बोला यस सर, रोल नंबर टू उसी बच्चे ने कहा यस सर, रोल नंबर थ्री का मैंने उसी बच्चे ने कहा यस सर, यानी कि किसी और की जगह कोई और ही बच्चा प्रॉक्सी लगा रहा है, आया वो कॉन्सेप्ट याद, वही यहाँ पे यूज होता है, वही यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा, जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो आपने लिखा www.google.com अपने ब्राउजर पे और एंटर हिट कर दिया, वो रिक्वेस्ट सीधी आपकी वेब सर्वर को नहीं जाएगी, वो जाएगी इस एप्लीकेशन गेटवे को। एप्लीकेशन गेटवे आपके बिहाफ पे वही जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वही रिक्वेस्ट अपने आप भेजेगा, आपको पीछे रखेगा छुपा के, और आगे उस सर्वर तक उस रिक्वेस्ट को पहुंचाएगा। सर्वर को लगेगा कि आप नहीं मांग रहे हैं इसे, वो सर्वर मांग रहा है, एप्लीकेशन गेटवे मांग रहा है, तो उस एप्लीकेशन गेटवे को रिटर्न करेगा। एप्लीकेशन गेटवे के पास जब इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी वो आपको दे देगा। तो प्रॉक्सी, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सी, यानी कि आपके बिहाफ पे कोई और वहां पे काम कर रहा है। आप जैसे डीसीएन लैब में बैठे हुए हैं, आपने ब्राउजर खोला, आपने लिखा www.google.com एंटर, आपके सामने सीधा पेज आ जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लगा कि बीच में एप्लीकेशन गेटवे भी था। ये प्रैक्टिकली है, ये इम्प्लीमेंटेड है यहाँ कॉलेज में, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो आपको तो लग रहा है गूगल को गई, गूगल को नहीं जाती हो, वो एप्लीकेशन गेटवे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है उसको जाती है, ठीक है। वो एप्लीकेशन गेटवे फिर आगे रिक्वेस्ट आपकी गूगल को भेजेगा, गूगल से जब पेज फैच होके आएगा उस एप्लीकेशन गेटवे के पास जाएगा, जब उसके पास पहुंच जाएगा फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो फेंक देगा और आपको पता नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, ठीक है। तो ये होता है एप्लीकेशन गेटवे। तो वो एप्लीकेशन गेटवे भी एज ए फायरवॉल काम कर सकते हैं, कैसे, ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल यूजर, यानी कि जैसे आप डीसीएन लैब में बैठे थे, रोल नंबर वन बैठा था अंकित या अक्षित, उसने लिखा www.google.com हु इज अ इंटरनल यूजर, उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन गेटवे जो सर्वर रूम में सेट किया हुआ सर्वर वो काम कर रहा है, वो उसकी रिक्वेस्ट जो है रिमोट होस्ट को भेज रहा है, और जितने भी अटैक्स हैं खुद झेल रहा है, आपके तक अटैक नहीं पहुंचने दे रहा है, ठीक है। सो एडवांटेज इसके क्या रहेगी, जनरली दे आर मोर सिक्योर देन पैकेट फिल्टर। डिसएडवांटेजेस क्या है, कनेक्शन की थोड़ी सी ओवरहेड रहती है इसमें, कनेक्शन ओवरहेड रहती है, ठीक है। तो ये है इसके डायग्राम, इसमें आपने देखना है, इसमें हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये है एक्सटर्नल होस्ट, मान लीजिए गूगल वालों का सर्वर, ये है इंटरनल होस्ट, ये हमारे नेटवर्क में होगा, मान लीजिए डीसीएन लैब में अक्षित बैठा इस कंप्यूटर पे, ठीक है, उसने लिखा www.google.com और सीधा उसकी स्क्रीन पे google.com का पेज आ गया, उससे तो लग रहा कि सीधा वो गूगल के साथ कनेक्टेड है, ये डॉटेड, उसे ये इल्यूजन होगा, यूजर का जो इल्यूजन क्या होगा कि उसे उसका जो कनेक्शन है सीधा एक्सटर्नल होस्ट के साथ है, google.com के साथ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, रियल कनेक्शन इज लाइक दिस एंड लाइक दिस, बस ये आपने एक्सप्लेन करना है। सो एप्लीकेशन गेटवे
बेसिकली ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ये डायग्राम आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल? इनसाइड इंट्रूजन से हमें ये फायरवॉल नहीं बचा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? फायरवॉल आपने जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका फायरवॉल, बहुत 50 लाख लगा आपने लिया हुआ है, लेकिन इंटरनली आपके नेटवर्क में कोई हैकर बैठा है तो उससे नहीं बचा पाएगा वो। द फायरवॉल सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंटरनल नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क, लेकिन अगर खुद ही अंदर ही बैठा है अटैकर तब दिक्कत होगी। देयरफॉर इफ एन इनसाइड यूजर अटैक्स द इंटरनल नेटवर्क, ठीक है, अक्षित पैथ है डीसीएन लैब में और वो उसके ऊपर अटैक परफॉर्म हो रहा है इंटरनेट से, तो उससे तो वो बच जाएगा, उससे तो पूरा नेटवर्क बच जाएगा। लेकिन अक्षित अगर खुद ही लग गया वहां पे हैकिंग करने अंदर ही, तब उससे ये फायरवॉल कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो गेट कीपर है, गेट से बाहर तो अक्षित ने ट्रैफिक निकाला नहीं, वो तो अंदर अंदर ही सब कुछ कर रहा है, तो उससे ये नहीं बचा पाएगा। इनसाइड इंट्रूजन से वो नहीं बचा पाएगा, कौन? फायरवॉल। अच्छा, सेकंड, डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक। देखिए, फायरवॉल जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक बताई थी, फायरवॉल सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट होना चाहिए आपके नेटवर्क का। अगर आपने कोई और एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट उस नेटवर्क से रखा हुआ है इंटरनेट के लिए, तब वो उसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, दिस डायग्राम, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट पॉइंट। इंटरनेट नेटवर्क से जब भी आपने नेटवर्क इंटरनेट को कनेक्ट होना है तो यही पॉइंट, यही पाथ यूज हो रहा है। अगर किसी ने यहाँ पे अपना हॉटस्पॉट लगा दिया, डीसीएन लैब में बैठ गया, तो वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन उससे नहीं वो बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि फायरवॉल तो सोच रहा है कि सारा का सारा ट्रैफिक यहीं से आना है, लेकिन वो ट्रैफिक तो कहीं मोबाइल से भी आ रहा है, तो उस चीज से नहीं बचा पाएगा ये। ठीक है, ये है वो पॉइंट। डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक, अगर आप एक और आपने रास्ता इंटरनेट के साथ जोड़ दिया है डीसीएन लैब से अपने हॉटस्पॉट को ऑन करके और कंप्यूटर पे उसे डायरेक्टली कनेक्ट करके या यूएसबी टेथरिंग यूज करके, तो उससे फायरवॉल आपको बचाने वाला नहीं। थर्ड, वायरस अटैक, इससे भी नहीं बचाएगा। उसके लिए आपको स्पेशल कुछ और मैकेनिज्म वहां पे रिक्वायर्ड होते हैं, सेपरेट मैकेनिज्म वायरस डिटेक्शन या रिमूवल के, वो अलग होते हैं। फायरवॉल का काम वायरसेस वगैरह पे नहीं रहता, जाने उसका रहता है अटैक्स पे, डॉस अटैक, डीडॉस अटैक, इस तरह के अटैक्स जितने भी रहते हैं, ठीक है, उससे वो बचाने की आपको कोशिश करेगा। वो भी तभी अगर आपने फायरवॉल रूल अच्छे से सेट किए हैं तो। सो दीज थ्री आर द लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। सेकेंड टॉपिक इज वीपीएन। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीन हमने कवर कर लिए। लास्ट इज वीपीएन, नाउ वी विल कवर वीपीएन। सबसे पहले वीपीएन की फुल फॉर्म याद रखिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क है लेकिन वर्चुअल है, थोड़ा सा यहां से आपको हिंट मिलेगा। अच्छा, आगे देखिए, इट इज अ नेटवर्क ऑफ वर्चुअल सर्किट। एक ऐसा नेटवर्क है जो वर्चुअल बना होगा, ठीक है, वो होता है बेसिकली, जैसे नाम से आपको पता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होगा। ये दो, जैसे एक कंपनी है, उसके दो अलग अलग, यस, एम आई ऑडिबल? यस सर, ओके, अंकिता ही ट्राइंग टू कॉल मी, वाई भाई? ओके, मैंने अभी कॉल उठाई नहीं, चलिए पहले आप देख लीजिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इट इज अ नेटवर्क ऑफ वर्चुअल सर्किट्स दैट कैरीज प्राइवेट ट्रैफिक थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स सच एज इंटरनेट। अभी एक आगे डायग्राम आएगा, फिर आपको ये सारा पैराग्राफ समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल लाइन मैंने स्लाइड में लिखी हुई है। इट अलाउज अ ट्रस्टेड नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद अनदर ट्रस्टेड नेटवर्क ओवर अनट्रस्टेड ऑब्लिक पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट। अब देखिए, आप कंपनी का भी एग्जाम्पल छोड़िए, आप लीजिए दो पॉलिटेक्निक की बात, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर। यहाँ पे भी हम बीएसएनएल के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बीएसएनएल के थ्रू जुड़े हुए हैं टू द इंटरनेट। ओके, इंटरनेट है आपका अनट्रस्टेड नेटवर्क, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर का
और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर का जो अपना प्राइवेट नेटवर्क है वो क्या है, ट्रस्टेड नेटवर्क। अब दो ट्रस्टेड नेटवर्क आपस में जुड़े हैं एक अनट्रस्टेड नेटवर्क दैट इज इंटरनेट के थ्रू, तो उसको वीपीएन पॉसिबल करता है। यानी कि दो ट्रस्टेड नेटवर्क हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर, ये ट्रस्टेड नेटवर्क हैं, इसके यूजर आपस में ट्रस्ट है इनका, ठीक है। तो एक दूसरे से वो डायरेक्टली कैसे जुड़े, एक अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू। वो इस तरह से जब वो मतलब जुड़ने की कोशिश करें तो वीपीएन इज वन ऑफ द सोल्यूशन, वीपीएन के थ्रू वो जुड़ सकते हैं। एक बार जुड़ गए तो आपको लगेगा कि जितने भी कंप्यूटर हमारे यहाँ उससे डबल आपको दिखाई देंगे वहां पे, डबल इन द सेंस कि अगर वो एक ही रेंज में अगर सेट किए हुए हैं, राइट, तो आपको ये लगेगा कि वो लोकल एरिया नेटवर्क की तरह हम इस पे काम कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये होते हैं बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेट। तो मेन लाइन इसकी यही है कि ये क्या अलाउ करता है, इट अलाउज अ ट्रस्टेड नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद अनदर ट्रस्टेड नेटवर्क, यानी कि दो ट्रस्टेड नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करेंगे किसके थ्रू, अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू यानी कि इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो वही आगे लिखा है, ए वीपीएन कैन कनेक्ट डिस्टेंट नेटवर्क, दो नेटवर्क हैं आपस में जियोग्राफिकली बहुत दूर हैं, एक सुंदरनगर में एक हमीरपुर में, ठीक है। और वी कैन यूज अ पब्लिक नेटवर्क एज इफ इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, हम इंटरनेट को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हमें लगेगा कि ये हमारा अपना ही नेटवर्क है, अपना यहां से बोलने में नहीं मतलब लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। वीपीएन प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल केबलिंग। एक तरीका तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर को आपस में जोड़ने का क्या था, जैसे ही हमारा यहाँ से जो फायरवॉल हमने बनाया हुआ है, जो गेटवे लगाया, वहां से सीधी हमने एक वायर बिछाई और सुंदरनगर तक लेके अपनी ही केबल बिछा दी हमने, अपनी ही केबल, तो कितना खर्चा आएगा उसमें, ठीक है। तो स्पेशल केबलिंग करने की हमें जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सुंदरनगर वाले भी हमीरपुर वाले भी इंटरनेट के साथ जुड़ेंगे लेकिन वीपीएन कनेक्शन के थ्रू, ठीक। तो हमें देर इज नो नीड ऑफ स्पेशल केबलिंग, कोई स्पेशल केबल बिछाने की वहां पे जरूरत नहीं हमें। और इसकी जो मेन फीचर क्या रहती है, कंबाइंड द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क की एडवांटेज क्या है, पब्लिक नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, उसकी एडवांटेज वो चीप है, सस्ता है ना, आजकल सभी यूज कर रहे हैं मोबाइल, मोबाइल से इंटरनेट कर रहे हैं, चीप है एंड इजीली अवेलेबल है, जहां मर्जी इसके सिग्नल मिल जाते हैं हमें, ठीक है। विद दोज ऑफ ए प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क की एडवांटेज क्या होती है, ये सिक्योर होता है, रिलायबल होता है, ठीक है। इन दोनों की एडवांटेज को जो है वीपीएन कंबाइन करता है, ये देखिए इसका आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा ध्यान देना आपने, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक यहीं पे। यह है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुंदरनगर, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं वहां पे, सारे के सारे उनके फायरवॉल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके फायरवॉल को नाम दे दिया मैंने फायरवॉल वन, और ये पूरा नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क वन। उसी तरह से यह है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर का नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे के सारे किस में जुड़े हैं, फायरवॉल, फायरवॉल के थ्रू, और हमारे फायरवॉल का नाम है फायरवॉल टू, और ये है नेटवर्क टू। हमारे कंप्यूटर, हमारे नेटवर्क में एक मशीन है बी, सुंदरनगर के नेटवर्क में एक मशीन है ए। अब ए ने डायरेक्टली बी के साथ कनेक्शन बनाना है। अब देखिए नेटवर्क वन नेटवर्क टू, ये भी ट्रस्टेड ये भी ट्रस्टेड, अब बीच में है इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू सुंदरनगर वाले भी जुड़े हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग भी जुड़े हुए हैं। अब बीच में है अनट्रस्टेड नेटवर्क, अब दो ट्रस्टेड नेटवर्क अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू कैसे सिक्योर कनेक्शन बनाएं, तो वीपीएन इज द सॉल्यूशन। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो ट्रस्टेड नेटवर्क है, नेटवर्क वन नेटवर्क टू, एक ही कंपनी के दो ऑफिस है, मान लीजिए एक अमेरिका में है एक चंडीगढ़ में है, ठीक है। कुछ एक एम्प्लॉय यहां बैठे हैं, कुछ एक एम्प्लॉय यहां बैठे हैं, दोनों ने आपस में सिक्योर कनेक्शन बनाना है और वो भी इंटरनेट के थ्रू, तो क्या सोल्यूशन है, वीपीएन, ठीक है। कैसे होगा ये देखिए दोनों ही इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे वीपीएन टनल का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए ज्यादा डिटेल में आपको ये टॉपिक नहीं कहा जा सकता, अदरवाइज ये काफी लेंथी चला जाएगा, जस्ट आपने याद रखना है अभी तक वही था, क्या चीज नहीं आई, वीपीएन टनल, ये चीज नहीं आई। एक टनल एक सुरंग जैसी बनाएगा ये आपके फायरवॉल, सॉरी सुंदरनगर के फायरवॉल और हमारे फायरवॉल के बीच में,
ठीक है, और ये बहुत सिक्योर टनल बनती है, जो भी डाटा जाएगा इसके थ्रू वो सारा सारा सिक्योर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ द वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। बस इतना याद रखिए, डिटेल में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है इस लेवल पे, जस्ट ये फंडामेंटल या इंट्रोडक्शन की आप तक ये काफी रहेगी। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है वीपीएन आर्किटेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में। सपोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन है टू नेटवर्क्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क वन और नेटवर्क टू, विच आर फिजिकली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, फिजिकली बहुत दूर है, एक कलकत्ता में एक यहाँ हमीरपुर में। ठीक है, दीज नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड यूजिंग वीपीएन इन अ सिक्योर वे। सिक्योर, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, सिक्योर है तभी हम यूज कर रहे हैं वीपीएन, हम यूज कर सकते हैं वीपीएन, वी आर नॉट यूजिंग हियर वीपीएन इन आवर इंस्टीट्यूट। ठीक है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे दो ट्रस्टेड नेटवर्क अनट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू एक सिक्योर कनेक्शन बना सकते हैं। सो नेटवर्क वन कनेक्ट टू इंटरनेट बाय फायरवॉल वन, एंड नेटवर्क टू कनेक्ट टू इंटरनेट बाय फायरवॉल टू। टू फायरवॉल्स आर वर्चुअली कनेक्टेड टू इच अदर बाय द इंटरनेट। बस इतना याद रखना है, वही यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वीपीएन? एक्सटेंड्स जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी। देखिए, लैन की जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एक बिल्डिंग के अंदर या एक कैंपस के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन वीपीएन उस चीज को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड्स जियोग्राफिकली कनेक्टिविटी, दो कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिफरेंट लोकेशन पे हैं, दे कैन बी दिस कनेक्टेड इन अ सिक्योर वे यूजिंग वीपीएन। सिक्योरिटी को ये इम्प्रूव करता है, ऑपरेशनल कॉस्ट को ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस ट्रांजिट टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर यूजर, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इट सिंप्लीफाइज द नेटवर्क टॉपोलॉजी। दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ वीपीएन, ये आपको याद रखना। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फोर चैप्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। सो लेट मी स्टॉप हेयर।